मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि विधानसभा परिसर में कांग्रेसी नेताओं द्वारा की गई अभद्रता से कांग्रेस पार्टी की हर जगह थू थू हो रही है। उन्होंने कहा कि इस घटना से ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी देश और प्रदेश में पूरी तरह से नेतृत्व और दिशा विहीन हो गई है। ये बात सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर आयोजित आभार रैली को संबोधित करते हुए कही। इससे पहले उन्होंने 150 करोड़ की लागत से मंडी में बनने वाले शिवधाम और 100 करोड़ की लागत से बनने वाले पार्किंग कम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की आधारशिला भी रखी। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की इस घटना की निंदा खुद कांग्रेसी नेता भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसा करने वालों को सरकार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर उन्होंने मंडी के शिवधाम में फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर आ रही बाधा को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया। उन्होंने बताया कि जब वे शिवधाम सहित अन्य प्रोजेक्ट के सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़े मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तो प्रधानमंत्री ने तुरंत प्रभाव से गृह मंत्री और सॉलिसिटर जनरल को इस मामले को सुलझाने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि शिवधाम के कारण हिमाचल प्रदेश के 650 प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिली है और ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों और भगवान शिव के आशीर्वाद से संभव हो पाया है। इस मौके पर शिवधाम के वास्तविक प्रारूप एक एनिमेटेड वीडियो भी उपस्थित लोगों को दिखाया गया और ये बताया गया कि शिवधाम कितना आकर्षक और भव्य होगा। इस मौके पर उन्होंने मंडी शहर के लोगों से आने वाले नगर निगम चुनावों के लिए सहयोग की अपील भी की। समारोह में हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रभारी अविनाश राय खन्ना, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और सांसद राम स्वरूप शर्मा सहित जिला के अन्य विधायक और अधिकारी भी मौजूद रहे। नेतृत्व विहीन हो गई कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर, दिशा विहीन हो गई, नेतृत्व विहीन हो गई प्रदेश में भी, कि आने वाले समय में भी कोई इस प्रकार का हुड़दंग करने की कोशिश करेगा तो कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। 5 सदस्य विधानसभा से निलंबित करने पड़े। और विपक्ष के नेता का अभिप्राय यह नहीं है कि वो कानून से ऊपर हो गए, उन पर कानून लागू नहीं हो सकता है। राज्यपाल के एडीसी को धक्के देते हुए धक्का देने के साथ राज्यपाल मोदी जी को धक्का लगा, हम संभालते रहे पीछे। ये सारी चीजों का मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में देख रहा था, सोशल मीडिया में कल रात को और आज सुबह भी मैं देख रहा था, हर जगह कांग्रेस पार्टी की थू थू हो रही है इस घटना के। कांग्रेस के लोगों ने, कई लोगों ने, एक नहीं अनेक लोगों ने हमको फोन करके बोला कि यह गलत किया गया है। और वही मैं देख रहा था उसी कार्यक्रम में, उसी वक्त में, जब हालात वहां पर पैदा हुए थे, कांग्रेस के कुछ विधायक पीछे से बोल रहे थे ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं। कांग्रेस के विधायक बोल रहे थे, कब ऐसा सुना प्रधानमंत्री जी ने? मैंने कहा एक ही नहीं, 600 और प्रोजेक्ट है, रोके रखा, ये कैसे हो सकता है? तभी उन्होंने कहा कि आप अमित शाह जी से, और जो सॉलिसिटर जनरल है उनसे मैं बात करता हूं। इससे पहले हम अगर वहां पर गृह मंत्री से मिलते, प्रधानमंत्री जी का संदेश उन तक पहुंच गया था। इससे पहले हम सॉलिसिटर जनरल से मिलते, प्रधानमंत्री जी का संदेश उन तक पहुंच गया था कि हिमाचल के मुख्यमंत्री आएंगे, हिमाचल का काम रोक दिया गया है, विकास रोक दिया गया है, 600 प्रोजेक्ट एक जगह रुके पड़े हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में तुरंत जो है इसके लिए जो भी किया जा सकता है वो करिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जल्दी शुरू होने चाहिए। परिणाम ये हुआ कि शिव धाम की वजह से, देखो शिव का हमको बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा, सिर्फ शिव धाम नहीं, 605 प्रोजेक्ट क्लियर हुए एक घंटे में।